एक मान्यता के मुताबिक भगवान भोलेनाथ की नगरी माने जाने वाली काशी में माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भिक्षाटन पर निकले भोलेनाथ को खुद भिक्षा दी थी। तभी से मिले वरदान के तहत माना जाता है कि काशी में कोई भी शख्स भूखा नहीं सो सकता, क्योंकि उसका पेट खुद माँ अन्नपूर्णा भरती हैं। इतिहास में ऐसा कम ही देखा गया है जब इतनी बड़ी मान्यता को कुछ इस तरह से मजबूती मिले। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति दोबारा स्थापित होने जा रही है। भारत से लगभग 100 साल पहले चोरी हुई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस देश लाया गया है। इस प्रतिमा को यूपी सरकार को सौंप दिया गया है। इसे 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस प्रतिमा में माँ अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर की कटोरी और एक चम्मच को देखा जा सकता है। इस प्रतिमा को 18वीं शताब्दी का बताया जाता है। यह मूर्ति 1913 में वाराणसी के एक घाट से चुरा ली गई थी, जो विभिन्न चरणों से होते हुए कनाडा पहुंच गई। कनाडा में यह मूर्ति मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजीना विश्वविद्यालय के संग्रह का भाग थी। इस मूर्ति की वसीयत 1936 में नॉर्मन मैकेंजी द्वारा करवाई गई और गैलरी के संग्रह से जोड़ा गया था। यह मामला तब सामने आया जब गैलरी में प्रदर्शन देखने के दौरान कलाकार दिव्या मेहरा मैकेंजी के कलेक्शन से गुजरी थी। तभी उनकी नजर इस मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने इस मूर्ति को अवैध रूप से कनाडा लाए जाने की बात भारत सरकार को बताई, जिसके बाद यह मूर्ति भारत को वापस सौंप दी गई। यूपी सरकार को आज मूर्ति सौंपे जाने के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एक समय था जब भारत की परंपराएं टूटे हुए घड़े के समान रिस रिस कर देश के बाहर जा रही थी, और आज उसको मरम्मत और मजबूत करके वापस संजोने का काम किया जा रहा है। तरीके से भारत की धरोहर है, अगर घड़े में क्रैक आ जाए तो उसकी वजह से पानी रिसता चला जाता है, और ऐसे ही पूर्व की सरकारों के समय पर पानी रिसता गया, भारत की धरोहर देश से बाहर जाती गई, और अब पहली बार ऐसा समय आया है कि वो वापस भारत आ रही है। और जब वापस भारत आ रही है, इसका मतलब पुराने जो क्रैक्स हैं उनकी भराई की जा रही है, और वही चीजें जो है संभवता हो रही है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसकी पहचान विश्व में बने और सब लोग उसको मान्यता दें, और काशी की रानी अपने कार्यक्षेत्र में पहुंचे तो उससे बड़ा जो पुण्य है वो क्या होगा। सौ साल पहले चोरी होकर कनाडा भेजी गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना यात्रा 13 नवंबर को लखनऊ पहुंचेगी। यात्रा का लखनऊ में भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है। पुनर्स्थापना रथ यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए यहां आएगी। यह यात्रा लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाएगी। अयोध्या में रात को ठहरने के बाद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर से होकर 14 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी, जहां 15 नवंबर को एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।